हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैथ्स के। देखिए, मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाए थे, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें देखिए, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ था। ये जो क्वेश्चन हमने किया था इंटीग्रेशन का, जो वीडियो बनाया था उसमें, तब मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन व्यावम पूछता है, तो एज इट इज ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ था। सीधा सीधा आंसर इसका था पाई बाय फोर, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये रिपीट हुआ था। इसके अलावा देखिए, एक सर्कल से भी एक क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ये आया कॉनिक सेक्शन के नाम से था, लेकिन कॉनिक सेक्शन की ये जो जनरल इक्वेशन होती है सभी के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो कॉनिक सेक्शन के नाम से आया था, तो ये एडिसेस में ये पूछा था कि इसका जो सेंटर है वो क्या होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो अपने को उसमें से 2g इक्वल टू कुछ समथिंग, जो भी कांस्टेंट था उसको इक्वल कर देना था, ऐसे 2f इक्वल टू कर देना था, तो g और f की यहां से वैल्यू हो जाती, दोनों का नेगेटिव कर देते तो अपने को यहां से इसका सेंटर मिल जाता। ये दो वीडियोस आप जरूर देख लो। देखिए, इससे आपका देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, बाकी क्या है बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मुझे याद भी नहीं आ रहे। तो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार इस वीडियो में देख के जरूर कर लेंगे इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन चेंज होकर आ गया तो इन दैट केस आपको करना पड़ेगा। देखिए, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था एनालिसिस का, उसमें तो मतलब nth डेरिवेटिव उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव मैंने आपको बता तो दिया ही था कि कैसे अपने को उसको सॉल्व करना है, लेकिन एक चीज अपने को यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो nth डेरिवेटिव है, आप सबसे पहले एक दो बार उसको डिफ्रेंशिएट करके, ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं आएगा, छोटा ही फंक्शन आएगा, एक दो बार उसको मान लीजिए जैसे dy बाय dx निकाल लीजिए, डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर निकाल लीजिए और डी क्यूब बाय dx क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन होगा तो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। उसके बाद इससे आप ऑप्शन वेरीफाई करके इसको देख सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, हम यहां पे ले लेते हैं, जैसे आपकी एक्स रेस टू द पावर एन है। ठीक है, इसका एंथ डेरिवेटिव अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंथ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको बाय इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स पावर एन, तो डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो क्या जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर हम क्या करते हैं, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन माइनस वन, मतलब कितना हो जाएगा एन माइनस टू। फिर हम इसका एक बार और कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा डी क्यूब बाय अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन और n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस थ्री। तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो एट लास्ट जो आपका डी एन बाय अपॉन डी एक्स एन जो आएगा, मतलब इसका जो nth डेरिवेटिव आएगा, वो देखिए ये जो आपका फैक्टर आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा फैक्टर है, इस पूरे फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो डी एन, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स पावर एन इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा एंथ डेरिवेटिव इसका आ जाएगा फैक्टोरियल एन। इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से एक बार वेरीफाई करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके मैं आपको बता देता हूं, इनको तो आप डायरेक्ट याद कर लो, टफ भी नहीं है, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। जैसे डी एन साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसका आता है साइन एन पाए बाय टू प्लस एक्स, ये इसका एंथ डेरिवेटिव आता है। ऐसे जब आप डी एन कॉस एक्स का निकालोगे, डी एन कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस एन पाए बाय टू प्लस एक्स, सेम आ रहा है, बस साइन और कॉस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए दिया हो अपने को ए एक्स प्लस बी, वैसे तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फिर ऑप्शन से वेरीफाई करोगे, और थोड़ा सा ये बड़ा भी है, और इसको एक्चुअली आप क्या लिख सकते हो, यहां पे डी एन लिख दीजिए, इसको इन्वर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी एन ए एक्स प्लस बी का इन्वर्स। ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस वन टू द पावर एन फैक्टोरियल एन ए टू द पावर एन, और ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, यहां पे आ जाएगा माइनस एन प्लस वन। आप इसको एक बार करके जरूर देख लें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो बताया कि इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐसे ही डी पावर एन ए एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा लॉग ए टू द पावर एन ए टू द पावर एक्स। इस तरीके जो फंक्शन है, इस तरीके के फंक्शन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए लिखा है एंथ डेरिवेटिव निकालना अपने को किसका, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल और ए पावर एन
इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर माइनस एन। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो, इस तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ले लेता हूं डी पावर एन ई पावर ए एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा ए पावर एन ई पावर ए एक्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। आप देखिए मान लीजिए ये केवल e पावर x दिया हुआ, तो a की वैल्यू 1 रख दो, तो d पावर n e पावर x इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा e पावर आपका x। देखिए इसकी वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ये अपना कितना हो जाएगा 1 पावर n 1 हो जाएगा, और e पावर ए एक्स दिया हुआ तो a की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या आ जाएगा आपका ई एक्स आ जाएगा। मतलब इसको कितनी बार भी आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे ये हमेशा e पावर x ही आएगा। तो एक तो आपने को ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आया था उसमें एक इलिप्स दिया हुआ था, दीर्घवृत्त जिसको हम बोलते हैं, वो दीर्घवृत्त का एरिया एक्चुअली उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो सिंपल सा है ये, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, एक एलिप्स बना हुआ है, ये हो जाता है आपका कोऑर्डिनेट ए जीरो, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ए हो जाएगा आपका बी, तो ए हो गया ए आपका बी हो गया। ठीक है, अब देखिए अपने को इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, हमेशा जब भी आपको कोई एरिया निकालने के लिए आएगा तब आपको यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करना है। कोई भी ग्राफ इस तरीके से आपको दिया हो आप उसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए क्या करना है, मैं क्या करता हूं ए वाला एरिया इसका कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, ए वाला एरिया मैं इसको निकाल लेता हूं, और बाकी इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा। मतलब मैं टोटल एरिया में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ था तो मुझे याद था इसका आंसर आता है पाई ए बी, ये आपका ऑप्शन में भी था। अब देखिए यहां पे जो आपकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मैं क्या करता हूं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्चुअली ये जो पूरी प्रोसेस करते हैं हम ये बाई की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होता है तो हमें कोई ना कोई एक फंक्शन चाहिए होता है, या तो हम बाई ले लें, ठीक है, या फिर हम एक्स के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप एक अपना इस तरीके से कर लीजिए कि आप हमेशा आपको बाई की वैल्यू ही निकालनी है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, देखिए बी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट होगा तो बी अपॉन ए बचेगा, और यहां से हमारा क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब ए जो हमारा आ गया है इसी का अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका जो टोटल एरिया होगा वो टोटल एरिया क्या होगा 4 का, तो आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम सिर्फ इसका निकाल रहे हैं। उसकी जो लिमिट निकलेगी वो कहां से निकलेगी, जीरो से लेके ए तक निकलेगी। ये किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम, ये एक्स की वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन लेंगे हम जीरो से लेके ए तक, मतलब हम सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जीरो से ए तक हम लेंगे इसको, और ए हो जाएगा हमारा वाई इंटू डी एक्स। देखिए लिमिट किसके लिए हमने एक्स की ली हुई है क्योंकि हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 4 0 टू a, इसकी हम वैल्यू रख देते हैं तो b अपॉन a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन भी पता होना जरूरी है। तो इसका जो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 4 b अपॉन a, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाता है 1 बाय 2 एक्स, ये सीधा फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 1 बाई टू, और ये हो जाता है 1 बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और इसकी जो लिमिट है वो कहां है जीरो से लेके ए तक है। अब देखिए इसकी जब हम लिमिट यहां पर पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बी अपॉन ए। अब देखिए सबसे पहले हम एक इसकी एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई टू ए, और इसके अंदर जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो प्लस 1 बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स
वन आ जाएगा, ठीक है। फिर रखेंगे हम माइनस, फिर माइनस करेंगे हम, फिर जीरो लिमिट रखेंगे एक्स की, तो एक्स यहां पे जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, और माइनस आपका ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, तो यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो की जो वैल्यू होती है वो भी जीरो ही होती है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4b बाय a, ये आपका देखिए जीरो हो ही गया है, यहां से क्या बचेगा केवल आपका 1/2 ए स्क्वायर, और देखिए ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, और ये आ जाएगा हमारा 4b बाय a हाफ ए स्क्वायर, और जो साइन इनवर्स 1 होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई बाय 2। देखिए इसमें आपको अगर कभी कंफ्यूज हो कि साइन इनवर्स 1 कैसे होता है तो इसको ऐसे लिख लिया करो आप, साइन इनवर्स 1 आपका लिखा हुआ है इज इक्वल टू मान लो थीटा, तो साइन को उस तरफ लिख जाओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा 1 कब होता है जब थीटा आपका क्या हो पाई बाय 2, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है सारे, और 2 2 4, और 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इस ए से आपका ये वाला स्क्वायर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका पाई इंटू ए इंटू बी, सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका ये एज इट इज क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और इसमें बता देता हूं, जैसे एरिया कैलकुलेट करने वाला है ये, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन अपने को दिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स और x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू जीरो से 2π, इनके इनसे जो क्षेत्रफल बन रहा है, इनसे घेरा हुआ जो क्षेत्रफल है उसको अपने को फाइंड आउट करना है, तो ठीक है फंक्शन जो हमारा है वो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब अपन यहां पे ग्राफ बना लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो अपने को पता है पहले से, कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है, यहां से इसको हम कंटिन्यू बना लेते हैं, इस तरीके से अपना ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब अपने को x एक्सिस तो आपका ये हो जाएगा तो इसके बीच का, और ये आपका कहां तक जा रहा है जीरो से लेके 2π तक जा रहा है, तो जीरो से लेके 2π तक अपने को निकालना है, तो देखिए ये क्या होगा आपका जीरो होगा, यहां पे क्या होगा हमारा देखिए ये आ जाएगा आपका यहां पे पाई, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2, यहां पे आ जाएगा आपका पाई, यहां पे आ जाएगा आपका 3π/2, ये हो जाएगा पाई, ठीक है, और इधर कहीं आ रहा होगा आपका बीचों बीच 2π, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को लॉजिक यहां पे लगाना पड़ेगा, अगर अपने को कॉस के बारे में पता है तो अपन बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड एरिया है जो मैंने आपको लाइंस जिसमें बना दी हैं, ये जो एरिया है ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एक्स एक्सिस के अगर नीचे कुछ भी आ रहा है, जैसे ए वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है एक्स एक्सिस के नीचे है, कहां पे बाय एक्सिस, नेगेटिव बाय एक्सिस पे है, समझ गए ना, तो आपको ए हमेशा नेगेटिव कंसीडर इसको करना है। अब देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपन को कैसे निकालना है, ये जो फंक्शन है तो हमेशा कॉस एक्स का ही रहेगा, मतलब वाई इज ऑलवेज कॉस एक्स, ठीक है। अब जो अपने को पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो एक अपना ए क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरा अपना ए क्षेत्रफल हो जाएगा, और तीसरा अपना ए वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल आपका एरिया हो जाएगा इट इज इक्वल टू जीरो से लेकर सबसे पहली जो लिमिट आएगी वो आएगी जीरो से पाई बाय 2। फंक्शन क्या है आपका वाई है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं हमें किसकी दे रखी हैं, एक्स की ही दे रखी हैं। दूसरा फिर हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा ये ए वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये कहां आ रहा है नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है हमेशा। चलिए इसको मैं प्लस कर देता हूं यहां पे अंदर, अब जो लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी आपकी पाई बाय 2 से लेके 3π/2 तक, और ये बन जाएगा आपका फंक्शन माइनस वाई, ऐसे आप कर लीजिए इसको माइनस वाई डीएक्स। प्लस तीसरा कहां से आएगा आपका 3π/2 से लेके 2π तक, ठीक है। ये देखो ये वाला जो एरिया है अपना, तो इस पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी y ही रहेगी, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 0 से लेके π/2 रखोगे cos x dx, माइनस यहां पे बाहर निकाल लो इसको, ये हो जाएगा आपका π/2 से लेके 3π/2, और ये आ जाएगा आपका cos x dx, प्लस ऐसे आ जाएगा आपका 3π/2 से लेके 2π, ये आ जाएगा हमारा cos x dx, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेट कर दो, लिमिट रख दो, मैं इसको आपको डायरेक्ट बता देता हूं, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin x, लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके π/2, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, बस लिमिट क्या रहेगी आपकी π/2 से लेके 3π/2, प्लस sin x, लिमिट हो जाएगी 3π/2 से लेके 2π। अब बस इनकी इनकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, लिमिट पुट अप करोगे, लिमिट पुट अप करने के बाद एरिया निकालोगे तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको आप, मैं यहीं तक आपको बता रहा हूं कि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है,
ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें कोई बता देता हूं कि अपने को इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो उसको कैसे मतलब करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक कोई लाइन ले लेता हूं, मैं एरिया ही का क्वेश्चन ही होगा आपका, एक लाइन ले लेता हूं मैं, सपोज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस या निर्देशांक अक्ष अपने को दिए हुए, तो इनसे इस रेखा से और कोऑर्डिनेट एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो देखिए ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, ये रेखा देखिए आपको अगर आपको स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी है तो ये एक्स का इसको क्या बोलते हैं अंतःखंड दिया हुआ है, ये वाई का अंतःखंड दिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे इसको इंटरसेप्ट, ये इस तरीके की आपकी लाइन होगी, ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू मिल रही होगी हमें ये क्या होगी ए जीरो, यहां पे जो वैल्यू मिल रही होगी वो क्या होगी जीरो, और बी मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यही होंगे, अपने को रिक्वायर्ड एरिया कोऑर्डिनेट एक्सेस यही है आपके और लाइन यही है आपकी, तो ये वाला जो रिक्वायर्ड एरिया ये अपने को फाइंड आउट करना होगा इसमें। तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये अपन ने ये निकाल ली। अब देखिए इसका यहां से इस लाइन की इक्वेशन से हम देखते हैं, यहां से हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन ए, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी को आप इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बी अपॉन ए और ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, या इसको ऐसे ना करके अपन एक काम करते हैं, ठीक है ऐसे ही कर देते हैं इसको, तो ए धर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए बाय, ये सही है आपका, ए बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसमें बाई इज इक्वल टू निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए, मतलब बात वही हो गई ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए, ये आ गई आपकी बाई की वैल्यू। अब देखिए अगर हम यहां पे ओरिजिन की बात करते हैं तो यहां पे इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है जीरो जीरो, ठीक है, तो अब अपने को यहां से ये चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये लिमिट्स एक्स की अपन को देखनी पड़ेगी, तो ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगी आपकी जीरो से ए तक, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है जीरो से लेके ए तक वेरी हो रही है, ठीक है, तो हम इसको एरिया निकाल लेते हैं यहां से, तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा जीरो टू ए और वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो टू ए और ये हो जाएगा हमारा ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए डी एक्स, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए जीरो से लेके ए आपका ए बी अपॉन ए, तो ये तो कांस्टेंट है पूरा ए बी अपॉन ए और ये आ जाएगा सिर्फ डी एक्स, मतलब वन यहां पे बचेगा माइनस क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन ए, यहां से कांस्टेंट आ जाएगा बी अपॉन ए, क्या बचेगा केवल एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए में यहां से ए से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा केवल बी बचेगा और वन, लिमिट क्या है जीरो टू ए वन डी एक्स माइनस, इधर क्या बचेगा देखिए अपना इधर बचेगा वी अपॉन ए एक्स डी एक्स, लिमिट इसकी भी क्या रहेगी जीरो टू ए, क्योंकि इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज कर ली है, तो ये हो जाएगा हमारा बी बी और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, लिमिट क्या जाएगी जीरो से ए माइनस क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, टू को अपन बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर जीरो से, इसको जब आप सॉल्व करोगे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं आप इसको पूरा सॉल्व जरूर कर लें, ये आ जाएगा आपका ए बी बाय टू, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम जनरली सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अपने को बस इतना है कि लाइन की इक्वेशन या जो भी अपने को दिया हो उसकी इक्वेशन पता होना जरूरी है, हम उसका एरिया बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों एक जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अगर देखिए आपने शायद हो सकता है पढ़ लिए हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आलस कर रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़े तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें तो मैं इसको करके ही सोऊंगा, ठीक है, थैंक यू।